दोस्तों, आप लोगों ने हमारे एक वीडियो को देखकर माइनक्राफ्ट गेम को शायद अपने कंप्यूटर में या फिर पीसी में डाउनलोड कर लिया होगा। लेकिन दोस्तों, माइनक्राफ्ट गेम में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों ये जो कैरेट है आप देख सकते हैं, इसके अंदर भी आप नहीं बना सकते हैं उस चीज को, जैसे कि कांच। अगर आप अपने घर की विंडो में ग्लास लगाना चाहते हैं ताकि कोई भी स्पाइडर या फिर कोई भी एनिमी घर के अंदर ना आ सके और आप लोग बाहर का लुक, बाहर की दुनिया को देख सके, तो इसके लिए आपको कांच कैसे बनाना पड़ेगा वो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप मत करना। अब दोस्तों, ग्लास बनाने के लिए आप लोगों को कौन कौन सी चीजें चाहिए, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ग्लास बनाने के लिए सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों को ये जो वुडन है ये चाहिए, या फिर ये वाली भी वुडन आपको मिल जाएगी। तो आप लोग कहीं भी जंगल में जाके ये लकड़ियाँ ला सकते हैं, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, ये जो है कोबल स्टोन। इसकी मदद से दोस्तों आप लोगों को एक चीज बनानी पड़ेगी, ये जो आप देख सकते हैं फर्नेस, ये आपको बनाना पड़ेगा। ये आप कैसे बना सकते हैं चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस कैरेट में आने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को ये जो कोबल स्टोन है इसे आपको यहाँ पर रख देना है, सॉरी एक एक करके रखना है आपको, चारों ओर रख देना है कुछ इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका फर्नेस बन जाएगा। तो मुझे तो दोस्तों नहीं बनाना है, क्योंकि दोस्तों मेरा ऑलरेडी फर्नेस तैयार है। अब आपको ये बना लेना है। इसको बनाने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जब दोस्तों आपका ये फर्नेस बन जाए तो आप लोगों को बाहर जाना है। अगर आपके पास ऑलरेडी ये स्टोन है तो आपका काम हो जाएगा, अगर नहीं है तो आपको बाहर जाना पड़ेगा और ये वाला जो स्टोन है आपको ले आना पड़ेगा। ये सिंपल से स्टोन आपको कहीं भी मिल जाएंगे, इन स्टोन को आपको ले लेना है। जितने ज्यादा होंगे आप उतने ज्यादा ग्लास बना पाएंगे। तो आप जितने ज्यादा स्टोन इकट्ठा कर सकें कर लीजिए, क्योंकि इसकी मदद से आप ग्लास बनाएंगे। कैसे बनाना है देखते रहिए वीडियो को, कहीं भी वीडियो को स्किप मत करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। अब चलिए दोस्तों हम जाते हैं अंदर, क्योंकि हमने ये पत्थर ले लिए है। अब हम जाते हैं नीचे फर्नेस के पास। तो यह है हमारा फर्नेस, तो चलिए इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आप लोगों को सिंपली ये जो हमने अभी पत्थर लिए आए हैं, इन पत्थरों को दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर एक रख देना है। फिर दोस्तों इसके नीचे आपको लकड़ी रखनी है। तो ये आप देख सकते हैं कि लकड़ी जलनी शुरू हो गई है और हमारा जो ग्लास है, ग्लास का एक आप कह सकते हैं बॉक्स तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक हमारा ग्लास तैयार हो चुका है, तो इसको हम रख देते हैं यहाँ पर। फिर दोस्तों आप इस प्रकार से बहुत से ग्लास बना सकते हैं। आप देखते रहिए, इतने ज्यादा आप ग्लास बनाएंगे कि आप सोच नहीं सकते इतने ज्यादा आप ग्लास इसमें बना सकते हैं। और दोस्तों जब तक ये ग्लास बनते हैं, उसके लिए दोस्तों हमें क्या करना है कि आपको ग्लास का यूज कहाँ पे करना है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैंने एक मेरा एक छोटा सा नया घर बनाया था, ये आप देख सकते हैं ये रहा। तो इसकी विंडो में अभी मुझे ग्लास लगाने बाकी है। तो ये हमारा घर है और इसकी जो विंडो है दोस्तों आप देख सकते हैं, ये रही वो विंडो, और पीछे की साइड में भी दोस्तों दो विंडो है, यहाँ पर भी हमें वो ग्लास लगाने हैं। तो इसलिए हमने ये दोस्तों बनाए हैं ग्लास, और आप भी सीख लीजिए कि कैसे बनाना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो ग्लास है वो बन रहे हैं अंदर। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हमारे ग्लास तैयार हो चुके हैं कि नहीं, क्योंकि दोस्तों इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ज़्यादा ग्लास बनाने में टाइम लग सकता है। एक दो बनाएंगे तो जल्दी बन जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि फर्नेस चालू है और 6 ग्लास हमारे बन चुके हैं। अब दोस्तों ये 6 ग्लास बन चुके हैं, दूसरे बनने देते हैं। यहाँ पर आना है आप लोगों को। फिर दोस्तों ये जो ग्लास है बनाने के लिए आप लोगों को इसको यहाँ पर रखना है। तो आप देख सकते हैं कि 6 ग्लास से 16 ग्लास बन जाएंगे विंडो के लिए। अब चलिए दोस्तों हम इसको लगाते हैं कहीं भी, कहीं भी तो नहीं दोस्तों, हम अपने घर में लगाते हैं इसको। इसको बंद कर देते हैं, और अंधेरा होने वाला है तो ज़ॉम्बीज भी आ जाएंगे। तो चलिए हम अपनी सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं, और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ पर ग्लास को लगा देना है। तो हम 9 नंबर को क्लिक करेंगे, फिर आप देखिए हमारे घर में ये जो ग्लास है वो लग चुका है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लुक आ रहा है, और यहाँ पर भी हम लगा देते हैं। और दोस्तों आप अलग अलग कलर के ग्लास बना सकते हैं,
इसके लिए आपको दूसरी चीजें भी चाहिए। तो हमारा घर ग्लास से रेडी हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि अब ये हमारा घर पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो चुका है ज़ोंबीज से। तो आप लोग भी दोस्तों कुछ इस प्रकार से अपने लिए बना सकते हैं ग्लासेस। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, इसे शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। अगर दोस्तों आपको इसमें भी और भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को जरूर दूंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।